तो हमारे क्लास 10th हिंदी मीडियम वाले जिनका हिंदी का पेपर होने वाला है, वो देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे मैंने ये आपको दिखा रखा है, बिल्कुल इसी तरह आपको फॉलो करना है। और जो मेन मेन क्वेश्चन है मैं आगे उसको समझा दे रहा हूँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उनको टिकी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए वो ज़्यादातर ये आता है कि कुछ विधाओं के नाम लिखो। तो एक ही ट्रिक में सारी विधाएं जा रही हैं, वो ट्रिक ये है, निक जी, निक जी, आरे और सनरिग, इसी ट्रिक में सारी विधाएं आ जा रही हैं, मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। देखो, नी से निबंध हो गया, का से कहानी, जी जीवनी हो गया, आ आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, गद्य काव्य, तो सारे हो गए विधाएं। जब भी आता है एग्जाम में दो तीन विधा लिखने को आता है, तो निक जी में ही तीन विधाएं हो गई, तो इसी तरह लिख लेना। अब बात करते हैं हम लोग एक एक विधा को डिटेल में। निबंध हमारा जो होता है, निबंध के जो बहुत बेहतरीन राइटर हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और रामचंद्र शुक्ल का तो पता ही होगा आपने, उन्होंने क्या लिखा था, कौन सा निबंध बहुत फेमस, वो है चिंता मणि। तो पहली ये हो गई, चिंता मणि बहुत फेमस है उनका लिखा हुआ। ओके, और तो ऐसे ही निबंध के दो राइटर देख लो मेन मेन, एक एक हम लोग ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक जो विधा पकड़ लो, तो ऐसे पूरी आसानी से तैयार हो जाएगा, पूरा पढ़ोगे वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा डिटेल। अब कहानी की बात करते हैं, तो कहानी में जैसे कि हमारे पास फेमस सबसे कौन है कहानी राइटर, वो है प्रेमचंद, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद हो गए, प्रेमचंद के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन ट्रिक दे रहा हूँ आगे, अब देख लीजिए उस ट्रिक में प्रेमचंद की लिखी हुई सारी चीज़ें आ जा रही हैं। ओके, तो और ट्रिक देखते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं प्रेमचंद की जो ट्रिक थी, और ट्रिक ये है, सीधा ट्रिक ये है, जो प्रेमचंद की जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए आप। ये है, प्रेमा रंग से, प्रेमा रंग से, प्रेमा रंग से, गो कर्म का पर मंगनी। इसी में जितनी भी प्रेमचंद ने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब आ गई, हम समझा दे रहे हैं एक से। प्रेमा से हो गया प्रेमाश्रम, रंग से तो आपको पता ही है रंग भूमि, से सेवा सदन, गो से हो गया गोदान, कर्म से कर्म भूमि हो गया, आप सुनते जाइए लिखते जाइए, का से कायाकल्प हो गया, पर से प्रतीक्षा हो गया, मंग से हो गया मंगलसूत्र, गा से हो गया गबन, नी से हो गया निर्मला। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई लगभग प्रेमचंद ने जो भी लिखी हैं। तो प्रेमचंद से रिलेटेड कोई बात आएगी तो इस ट्रिक पे फोकस करना, वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिए, गोदान हो गया, गबन हो गया, गोदान गबन हो गया, रंगभूमि हो गई, सेवा सदन हो गया, ये सब उपन्यास हैं। कुछ कहानी भी इन्होंने लिखी है जैसे कि पूस की रात, पूस की रात। इसमें ज़्यादातर जो हमने ट्रिक बनाई है, ज़्यादातर क्या सारी की सारी लगभग वो हैं उपन्यास हैं, तो इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उपन्यास ये जो है बहुत लिखे हुए हैं। और इन्हीं की जिंदगी से रिलेटेड एक जीवनी है जो कि है, हाँ, और प्रेमचंद से रिलेटेड एक बात और है बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, और कलम का सिपाही जो है, कलम का सिपाही है जीवनी हो गई, किसकी जीवनी हो गई, प्रेमचंद की जीवनी हो गई, और लिखा किसने है, ये लिखा है अमृत राय ने, इस चीज़ को ध्यान रखना है, अमृत राय ने लिखा है। कलम का सिपाही कहा किसको जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है, पर ये लिखा किसने, ये एक जीवनी है, और लिखा किसने है, अमृत राय ने। तो जीवनी की जब भी बात आएगी तो ये जीवनी बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हो गया निबंध, कहानी हो गई निकजी वाले ट्रिक में, और जीवनी भी लगभग आ गई, ठीक है। अब हम लोग जो है निकजी आ रहे, आ मतलब आत्मकथा पे फोकस करते हैं। देखो, आत्मकथा एक तरह की ऐसी विधा है जिसमें अपने बारे में लिखा जाता है, और इसमें ज़्यादातर फेमस जो मेरी असफलताएं हैं, जो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखी है मेरी आत्मकथा, और नहीं सॉरी, उन्होंने मेरी आत्मकथा लिखी हुई है, और मेरी असफलताएं जो है गुलाब राय ने लिखा है, मेरी असफलता लिखा है गुलाब राय ने। तो ये आत्मकथा है, ऐसे ही क्या भूलूं क्या याद करूं, हरबंस राय बच्चन ने लिखा हुआ है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो हरबंस राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं लिखा हुआ है, बहुत फेमस है ये आत्मकथा, आता है एग्ज़ाम में अक्सर। नीड़ का निर्माण फिर भी एक तरह की कविता है जो कि हरबंस राय बच्चन ने लिखा है, पर हम लोग आत्मकथा पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग रेखाचित्र पर फोकस करते हैं, फिर आता है रेखाचित्र। देखो, रेखाचित्र क्या होता है, रेखाचित्र मतलब किसी चीज़ को बताना बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में बता देना, एक तरह का रेखाचित्र कहलाता है। ये जीवनी का एक तरह का शॉर्ट पार्ट होता है। इसके राइटर फेमस हैं महादेवी वर्मा हो गए, महादेवी वर्मा बहुत फेमस हैं, और एक हैं विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर जी बहुत फेमस हैं, इन्होंने आवारा मसीहा लिखा हुआ है, आवारा मसीहा।
तो आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण हो गया। संस्मरण राइटर भी माधवी वर्मा है, फेमस हैं। संस्मरण राइटर भी इन्होंने, संस्मरण में भी काम किया है माधवी वर्मा ने। फिर संस्मरण हो गया। रिपोर्ताज, रिपोर्ताज, रिपोर्ताज से क्वेश्चन आ जाता है, रिपोर्ताज के बारे में पढ़ लो। ये रिपोर्ताज मतलब आंखों देखा हाल, जहाँ लिखा जाता है। आंखों देखा हाल मतलब जो सामने हो रहा हो और कोई राइटर उसको लिख रहा हो। रिपोर्ताज में विष्णु प्रभाकर आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है एक एक विधा को पकड़ के पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी और रेडी भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो चारों पांचों क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड में जो आता है, सेकंड पार्ट में, वो ज़्यादातर सेकंड पार्ट से यानी पद्य से आता है, उससे हम जरूर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो है हिंदी पद्य साहित्य को चार भाग में बांटा गया है, जो कि वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, और वीर गाथा को ही आदिकाल कहा गया था, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी इसलिए आदिकाल कहा जाता है। और एक है भक्ति काल, जिसमें भक्ति की सारी बातें हुई, और एक है रीति काल, रीति काल, एक है आधुनिक काल जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो इतने टाइप के जो है हमारे पद्य काव्य को बांटा गया है। और इनके टाइमिंग आप ऐसे याद कर सकते हैं, 7:43 से स्टार्ट हुआ तो ये गया है 13:43 तक, यानी कि पूरे कितने साल का गैप हुआ यहाँ पे, 600 साल, ठीक है। और भक्ति काल जो हमारा है वो 13:43 से, यहीं से ये उठा लो, 13:43 से स्टार्ट हुआ है और ये गया हुआ है कहाँ तक, 16:43, यानी कि कितने साल की गैपिंग, 3 साल की, यानी पहले 6 था, अब की बार 3 साल की गैपिंग है, ठीक है। फिर है 16:43 से ये स्टार्ट हुआ, 16:43 से स्टार्ट हुआ और ये गया 18:43 तक, की बार 2 साल की, 200 साल की गैपिंग। फिर 1843 से ये आधुनिक है, तो अभी चल रहा है, तो ये बांटा गया है, ओके। और इसके अलावा मैं भक्ति काल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। देखो भक्ति काल जो है, भक्ति काल के जो फेमस राइटर हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने क्या लिखा है, बीजक, आप सुनते जाइए, नोट करते जाइए, मैं सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर पाऊँगा। मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है पद्मावत, पद्मावत मूवी भी आ चुकी है इस पर तो। और तुलसीदास तो पता ही है, रामचरितमानस, सूरदास ने सुरसागर, तो ये सब बहुत बड़े भक्ति काल के बहुत बड़े बड़े राइटर और कवि रह चुके हैं। तो भक्ति काल को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, एक है निर्गुण भक्ति, निर्गुण, और एक है सगुण भक्ति, ठीक है। निर्गुण भक्ति में जो है इसको दो पार्ट में बांटा जा रहा है, एक तो है ज्ञानाश्रयी, जिनको ज्ञान से आगे बढ़ाया गया है, एक है प्रेमाश्रयी, जिनको प्रेम से आगे बढ़ा गया है। और सगुण में दो तरह के भी ये भी हो जाते हैं, एक है कृष्ण भक्ति शाखा के और एक है राम भक्ति शाखा के। तो ये हो गए ज्ञान में, जो ज्ञान को माना गया, ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ा गया, इसमें कबीरदास इसके हेड रहे हैं, उन्होंने बीजक लिखा हुआ है। और प्रेमाश्रयी में जो हेड रहे हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, ठीक है। तो ये हो गए। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो सबसे सीनियर यानी सबसे बड़े या सबसे हेड माने जाते हैं वो हैं हमारे सूर सागर के राइटर यानी कि सूरदास जी। और राम भक्ति शाखा के जो हेड हैं वो हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने बीजक लिखा हुआ है। तो सारी बातें भक्ति काल की यहीं से सिमट जाती हैं, आपको इसको अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप इस टॉपिक पे जो मैं कुछ बता दे रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, बस वही सब, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जितने तार सप्तक हैं, तार सप्तक के बारे में सब पढ़ लीजिए कि तार सप्तक जो है कब से कब शुरू हुआ, ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। जो पहला तार सप्तक था वो 1943 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके जो राइटर थे जो, वो सच्चिदानंद जी थे। तो ऐसे ही दूसरा तार सप्तक जो था 1951 में हुआ था, तो ये तार सप्तक भी पढ़ लीजिए। तीसरा तार सप्तक जो था वो 1959 में हुआ था, तो ये तार सप्तक और इनके हेड राइटर जो है वो पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप छायावादी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आता है अक्सर, छायावादी पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रगतवादी पढ़ लीजिए, प्रगतवादी और रीतिकाल, इन तीन के बारे में पढ़ लीजिए, बस आपका क्वेश्चन कहीं फंसने वाला नहीं है, ठीक है, ओके। बाकी हम लोग नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन के ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ट्रिक जो दे रखा है, जैसे मित्रता वाले चैप्टर से आएगा तो उसमें मित्र और संगत और साथ ऐसे वर्ड होंगे तो तुरंत पहचान देना कि उस चैप्टर से ही आया है। तो ऐसे सारे दे रखे हैं हर चैप्टर के लिए, आप लोग इसको याद कर लें। तो आप लोग इस पर फोकस करिए, जैसे हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, देखिए इसमें लास्ट में जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, देखिए मित्र वर्ड आ गया तो हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे मित्रता चैप्टर से आया हुआ है। ऐसे ही हम लोग एक एक करके
देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये देखिए इस क्लिप में विश्वास पात्र मित्र, पहला ही वर्ड है मित्र से पहचान जाएंगे कि ये मित्रता चैप्टर से आया हुआ है। देखिए इस पे फोकस किए करिए, यहाँ पे पहला ही वर्ड दिख रहा है मित्रता, तो ऐसे ही आप वो पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए जो स्टार्टिंग में मैंने दे रखा है, उससे आप हर चैप्टर को आसानी से पहचान करके संदर्भ आसानी से लिख देंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का कहा संदर्भ हम आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि पीछे हमने क्लिप देख ली है और उसको लिखने का तरीका यही है। आप जहाँ ममता वर्ड लिखा है वहाँ पर चेंजिंग कर देंगे आसानी से, ठीक है, और राइटर चेंज कर देंगे जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, और हमारा पूरा आंसर रेडी हो जाएगा। बाकी ये रेखांकित तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख देना और बाकी उसी में रहता है। तो बिल्कुल थर्ड की तरफ प्रश्न नंबर 4 भी ऐसे ही है, ट्रिकी मैंने यहाँ बना दी है, आप पढ़ लीजिए समझ लीजिए। जैसे सुसागर है तो अंतिम लाइन में सूर शब्द आएगा तो तुरंत आप पहचान लेंगे, ऐसे ही मैंने सारे लिस्ट बना दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिए ताकि आपको संदर्भ लिखने में बहुत आसानी हो। और बाकी के जो इनके क्वेश्चन हैं हम लोग आगे वन बाय वन समझते हैं। तो देखो संदर्भ आसानी से आप लिख लेंगे, बस यहाँ सूर सागर जैसे लिखा हुआ चैप्टर का नाम वो आप चेंज कर लेंगे और राइटर का नाम चेंज कर देंगे आपका जो पीछे लिस्ट है उसको याद करने से। प्रसंग में आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दीजिएगा, मेन बात कोई लिख दीजिएगा, बस प्रसंग हो जाता है। और व्याख्या में आप ज़्यादा डिटेल्स में मत जाइएगा, थोड़ा बहुत समझ करके अपनी भाषा में हिंदी में उसको एक कहानी की तरह लिख दीजिएगा। और काव्यगत सौंदर्य जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो सबके लिए यही काव्यगत सौंदर्य आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको जो है जीवन परिचय लिखना है, स्टार्टिंग के मैंने 4 दे रखे हैं, आप 4 यही पढ़ लीजिए, इसी में से पक्का एग्जाम में आपके आ जाएगा। बाकी मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है, इसी फॉर्मेट पे आपको चाहे वो लेखक का हो चाहे वो कवि का जीवन परिचय हो आप इसी पे लिखिएगा। बस जहाँ पे गद्य है वहाँ पद्य कर दीजिएगा और जहाँ कृतियाँ हैं वहाँ रचयिता कर दीजिएगा। तो ये मैंने एक पूरा डिटेल दे दिया है, आप इसको देख लीजिए। आप इसी फॉर्मेट पे आप किसी का भी जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं, आप इनको याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी भाषा में लिखा हुआ है, और ऐसे ही आप तैयार कर लीजिए। आपको जीवन परिचय लिखते वक्त बस 2-3 चीज़ें रेडी करनी है और इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा, इसी फॉर्मेट पे लिखिएगा। और ये कभी 4 दे रखे हैं, इन्हीं को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएगा, 100% श्योर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे संस्कृत का मटेरियल आएगा, संस्कृत में आप जो गद्य वाला पार्ट है वो मत करिएगा, मैं बताया दे रहा हूँ कि उसमें आप पक्का गड़बड़ करेंगे। आप ये पद्य वाला पार्ट कर लीजिएगा, बहुत हल्का होता है, उसमें आप श्लोक लिख लीजिएगा आसानी से, श्लोक रहेगा और उसका आप संदर्भ लिख लेंगे आसानी से, और उसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो थोड़ा बहुत फेर बदल करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये क्लिप आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही जो मैं क्लिप दिखा रहा हूँ आप इनका नीर क्षीर विवेके इसका अर्थ अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए उत्तरम यत समुद्र सीमा दृश चैव, ऐसे ही इसका पढ़ लीजिए। हाँ ये अगली क्लिप है भारतीय संस्कृति से, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और ये रहा अगला क्लिप, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, सुप्रभात नयउत्तरागे। तो आप थोड़े थोड़े हैं छोटे छोटे, इनको पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें आप अगर अनुवाद करते वक्त थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर देंगे इधर उधर तब भी आपको मार्क्स मिल जाता है, बस आप उसका अच्छे से संदर्भ लिख पाएँ। ओके हाँ प्रश्न नंबर 7 पे एक श्लोक लिखना होगा, हमें 2 श्लोक आगे दिखा दे रहा हूँ, इनको रट लो जाके यही छाप देना, जो आपको ईजी लगेगा आप वही जाके वहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो अब हम श्लोक की क्लिप देखते हैं, तो ये पहली है सर्वे भवंत वाली जो आप देख चुके हैं, आप ये लिख लो इसको याद कर लो आसानी से याद हो जाएगी। और दूसरी ये है बंधनम मरणम वापजयो वापराजया, 2 इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में एक आ जाती तो वो नहीं लिखना होता है। प्रश्न नंबर 7 का खा देखिए हमें कैसे करना है, इसमें मैं कुछ लिमिटेड क्लिप दिखाई दे रहा हूँ, आप इन्हीं को पढ़िएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो ये ज़्यादा बार आए हुए क्वेश्चन जैसे बीरा केन पूज्यते, तो बीरा बीरेन पूज्यते, ऐसे ही पढ़ लीजिए आप, अलेक्जेंड्रा का आसीत, अलेक्जेंड्रा यमन राजा आसीत, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कल पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत, कई बार आया हुआ है तो इसी में से पक्का आएगा। ये देखो भूमे गुरुतरम किम अस्ति, माता गुरुतरा भूमे, ऐसे ही ये देखो नीचे वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, वातात शीघ्रतरम मना अस्ति, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पढ़ लो जो कई बार आए हुए हैं, सारे मत पढ़िए, जो बार बार आए हुए हैं उसी में से आएगा। आपको 2 करना है, 5 आते हैं तो 2 पक्का फंस जाता है। और ये प्रश्न नंबर 8 पे जाने वाला है करुण रस, यही जो लिखा हुआ है यही आप पढ़ लीजिए, ये जाके छाप दीजिएगा क्योंकि 2 रस आता है तो दोनों में करुण रस पक्का आएगा, ठीक है, आराम से रट लो इसको। हाँ प्रश्न नंबर 8 का काफ़ी सोरठा आएगा और रोला आएगा, तो रोले से कोई मतलब नहीं, सोरठा केवल यही याद कर लो। हाँ 8 का काफ़ी अलंकार आते हैं, तो अलंकार 3 हैं तो आप 2 याद कर लो, एक उपमा जो लिखा हुआ है ये याद कर लो, और ये रहा उत्प्रेक्षा, इसमें सारी बात मेंशन है, आप वीडियो को रोक लो और इसको पढ़ लो अच्छे से। प्रश्न नंबर 9 का का पे हमारा जो उपसर्ग ये आएगा ये देख लो सामने, इसको ऐसे ही करना बिल्कुल। और 9 का खा हमारा जो पढ़ते हैं देख लो साफ साफ, इसी तरह आंसर लिखना है जैसे मैंने लिख रखा है इसमें। और ये रहा 9 का गा समास विग्रह, देख लो इसमें जो दे रखे हैं इसी में से पॉसिबल है, आ सकता है, हमको यही पढ़ना भी है,
कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ दे रखे हैं, नैन का घा, तत्सम, तद्भो, इन सबको पढ़ लो अच्छे से, इन सब क्लिप को रोक लो और अच्छे से समझ लो, इन्हीं में से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के रखे हैं। ये देख लो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ये ट्रिक है। क्वेश्चन में 10 का खा के लिए लोगों को प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और ये छोड़ के आ जाते हैं, पर ये आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन फंसेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी को देख करके आप क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि ये वर्ड आ रहे हैं तो हम आसानी से एकवचन, द्विवचन, बहुवचन बता लेंगे, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का घा, लकार के बारे में, ती तान सीता था आमी आओ आमा, ऐसे आप दो बना लो, ठीक है, सबके एक इसका बना लो, एक लिरिट लकार का बना लो, इसी में पछताम पठावा पश्याम, इसमें सबसे पहले धातु लिखना है, धातु तो पहला हमने बोल दिया कि दो शब्द, पच हो गया धातु, दूसरे वाले का पट हो गया धातु, तीसरे वाले का पश्य हो गया, तो आप पहला वर्ड निकालेंगे तो आप धातु आसानी से लिख देंगे। और रही बात लकार की, तो मैंने बोल दिया है कि दो ही लकार ज़्यादातर आते हैं, अगर आप लोग उसके वर्ड देख लेंगे, ती ता अंति, तो देखिए लास्ट में पहले वाले में आम, दूसरे वाले में आवा, हम इन्हीं से पहचान लेंगे, तो आप दो का बना लीजिए, एक तो लट लकार मैंने बोल दिया, दूसरा लिरिट का बना लीजिए, इसी में से फंस जाता है, और आसानी से आप लकार, वचन और पुरुष सब लिख सकते हैं। तो 5 नंबर 10 का हमें संस्कृत में अनुवाद करना होता है, जिसके लिए हमें थोड़े बहुत संस्कृत वर्ड याद होने चाहिए और हमें रूल पता होना। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट याद होनी चाहिए, लिस्ट को ऐसे है कि हमको ये पता होना चाहिए, जो होता नहीं सा, और होता है तो, एक होता है ते, एक होता है त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, अहम, आवाम और वयम। देखो इनके बारे में पता हो जाए, सा मतलब होता है वाह, सिंगल वाह, यानी कोई जेंट्स हो, अगर कोई लड़की है तो सा लिखते हैं, सा पे बड़ा का मात्रा करते हैं, सा पे बड़ा की मात्रा कर देते हैं, ठीक है। और तो मतलब होता है वह दोनों, वह दोनों अगर हो तो वर्ड यूज़ करेंगे आप, तो, ते मतलब वह सब, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यो मतलब तुम सब, अहम मतलब हम या मैं, आवा मतलब हम दोनों, वह मतलब हम सब। तो ये पहले हमें सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इनके संस्कृत पता होना चाहिए, तो ये लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद इस सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी, तो इनके साथ देखो वर्ब मैं ही साइड में लिख दे रहा हूँ, जैसे सा के साथ हमेशा ती वर्ड जोड़ना होता है, अगर वो प्रेजेंट में है तो ती, उसके बाद दूसरा वाला ता, ती ता, उसके बाद अंति, पीछे हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद सी, उसके बाद था, फिर थ, फिर सीता था, आमी, आमी, आवा, और उसके बाद होता है आमा। तो ये इनकी पोजीशन है, देखो सा के साथ ती लगेगा, तव के साथ हमेशा ध्यान रखना ता, और ते के साथ हमेशा अंति, ऐसा ही इनकी पोजीशन है, इनकी पोजीशन देखो, तम जब भी आएगा तो लास्ट में उसके सी वर्ड लगेगा, ये प्रेजेंट के लिए है, उसमें प्रेजेंट, जैसे राम पढ़ता है, तो जैसे कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, इसमें साफ साफ समझ आ रहा है प्रेजेंट है, तो लिखेंगे सा, अब वह सा हो गया, यानी कि सा के साथ ती, तो देखिए सा के साथ यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये ती वर्ड यूज़ होगा, तो इसके साथ क्या लिखें, पढ़ने के लिए पट होता है, तो इसके लिखेंगे पटती, ऐसे ही अगर हो जाता है हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों का ये होता है आवाम, हमने बता दिया, तो लिखेंगे आवाम, अब क्या कौन सा वर्ड यूज़ होगा इसके साथ, आमी आवा, यानी आवा वर्ड यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा आवाम पठावा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही छोटे छोटे हैं, घर का, गृहम, बाजार का, पड़म, थोड़ी संस्कृति याद कर लो और बना चुना के थोड़ा सा काम चला दोगे। देखो ये पर्यायवाची की क्लिप है, इसी में से पक्का आएगा, इतना ही पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और निबंध की रही बात, तो मैंने निबंध छाँट दिए हैं, इतने निबंध आपको पढ़ने हैं, इसी में से 100% जो है आपके एग्जाम में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 के लिए आप लोग क्या करें, आप इसके लिए मैं एक थोड़ी सी व्यवस्था बता देता हूँ कि कैसे करें। देखो इस क्वेश्चन के लिए जो व्यवस्था ये है कि इसमें आप जय सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी बातें पढ़ लो, जय सुभाष का जन्म कहाँ हुआ, इसको किसने लिखा हुआ है, आपका जो भी हो, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आप उसके बारे में पूरा बना लो और पूरी चीज़ वही छाप देना आँख बंद करके, तो यही करना है हम लोगों को, है ना, छाप देने पकड़ के। तो यही चीज़ है कि आप पूरा जय सुभाष के बारे में पढ़ करके वहाँ चाहे कुछ भी पूछा हो, आप अपना सेलेक्ट कर लो अपने ज़िले का और वही जा करके पूरी डिटेल में छाप दो वहाँ चाहे जो पूछा हो।